नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस फ्रेश का मतलब एपिसोड में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बचा हुआ खाना कितने दिन तक खाना चाहिए, फिर क्या उसे खाना हमारे लिए सेफ है कि नहीं। तो मेरा नाम है सुनील गुप्ता, आप देख रहे हो सोडियम 145। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से बची हुई चीजों को खाना हमारे लिए तभी सेफ है जब हम लोग 2-4 रूल को फॉलो करेंगे। जो पैरा 2 है वो ये कहता है कि खाना बनाकर खाने के बाद अगर कोई खाना बच जाता है तो हमें उसे 2 घंटे के अंदर ही फ्रिज में रख देना चाहिए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर में यानी 68 डिग्री फारेनहाइट में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होता है, और जब हम उसे फ्रिज में रख देंगे तो जो फूड का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फारेनहाइट से नीचे चला जाएगा, और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। सेकेंड 2 वो ये कहता है कि बचे हुए खाने को प्लेट में रखना चाहिए जिसकी गहराई 2 इंच हो, उससे ज्यादा नहीं, ना कि एक गहरे प्लेट में, क्योंकि इस तरह के प्लेट में रखने से जो फूड है वो चारों तरफ फैल जाएगा और जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा। जो आखिरी 4 ये कहता है कि हमें बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना चाहिए और उसे 4 दिन के अंदर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रिज है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है, ना कि उसे खत्म कर देता है। और इसीलिए जब हम किसी फूड को 4 दिन से ज्यादा रखते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो गया रहता है, और ऐसे फूड को जब हम लोग खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग या इंडिजीनियस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बचे हुए खाने को गर्म करके खाना, तो ये उन लोग की एक गलत सोच है। बचे हुए खाने को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती जाती है, और इसीलिए हमें खाने को 2 बार से ज्यादा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन फूड का लिस्ट दे रखा है जिसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सबको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर नया हूँ, सो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।